अब ये मांग रहे हैं पैसे बैंक वालों से बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं आपने तो थाउजेंड डॉलर खुद अपने अकाउंट से ई ट्रांसफर करे हैं किसी अकाउंट को मुझे बहुत मेरे फ्रेंड्स ने और इवन बैंक ने भी बोला कि आप पुलिस में ये रिपोर्ट करो ही एवरी वन वेलकम टू सैंडी टॉक्स कैनडा सो आई रिसीव दिस मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑन माई इंस्टाग्राम इन्होंने लिखा कि सैंडी जिन्होंने मुझे पिक किया था एयरपोर्ट से मेरी रेलिटिव ने उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है आई विल शेयर एवरी डिटेल विद यू सो ये जो मैसेज आया मुझे इस स्टूडेंट से मेरी बात हुई इन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई कि इनके साथ क्या क्या हुआ विद प्रूफ सो इस वीडियो के एंड में आपको प्रूफ ये सारी स्टोरी के स्नैप शॉट्स मैं पेस्ट कर दूंगी जितने उन्होंने मुझे अलाउ किए हैं क्योंकि हम सारी डिटेल्स भी नहीं शेयर कर सकते नाम वगैरह में नहीं शेयर कर सकते उनका इसी वजह से वो वीडियो में भी नहीं आया उन्होंने बोला कि मेरे रिलेटिव हैं मैं आगे नहीं आना चाहता बट प्लीज़ आप इस चीज़ पर वीडियो बनाए कि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके बाकी एक चीज़ और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सारे रिलेटिव ऐसे नहीं होते हैं लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स के साथ बुरा हुआ है वो चीज़ें आगे आना बहुत ज़रूरी है कि बाकी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इससे एक लेसन मिले और वो जान पाएँ कि उनको क्या करना है ऐसे अगर सिचुएशन आते हैं तो सो so यही इस वीडियो का पर्पस है सो so इस वीडियो में बात करेंगे उस स्टूडेंट की कि उनके साथ कैसे कैसे स्कैम हुआ और आपको कौन कौन सी चीज़ों से बचना है चलो जी विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट द वीडियो सो so, ये स्टोरी है लास्ट ईयर की दिसंबर नाइनटीन को ये जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे आए थे जी में ग्रेटर टोरंटो एरिया है अपनी स्टडी के लिए और ये एक रिलेटिव के पास रुके थे इनके जो जीजा जी थे उनके कज़न थे ये जो रिलेटिव है तो so वो इनको एयरपोर्ट पे लेने आए उन्होंने इनको पिक किया और उसके बाद ये ट्वेंटी दिसंबर को सिन अप्लाई करने गए उनके साथ क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो जो अगर आपका कोई रिलेटिव हो आपको इनिशियल सेटलमेंट uh, में काफ़ी हेल्प करते हैं सिम बनवाने जाना फिर बैंक अकाउंट ओपन कराने जाना सिम कार्ड लेना यही चीजें होती हैं जो आपको स्टार्टिंग में हेल्प की जरूरत पड़ती है राइट सो so, उन्होंने इनका सारा काम कराया और उसके बाद ट्वेंटी फर्स्ट को सें दिलवाया उसको स्टूडेंट उस के, साथ उसके कराने के लिए। so, की, इन्होंने मुझे ब्रांच, भी है कि की ब्रांच थी जीटी एरिया में जहां पे रिलेटिव ने इनके आप, इनकी अपॉइंटमेंट बुक करा दी कि चलो अब बैंक अकाउंट ओपन करा देंगे ये उस दिन अकाउंट ओपन कराने गए हैं ये स्टूडेंट जो तो थे ही साथ में इनके साथ एक और लड़का था जिसका अकाउंट ओपन कराना था वो था

ओके okay, सो so ये अग्री करते हैं और ये बाहर आते हैं और यही बात इस स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के साथ भी कंफर्म करी कि आपको भी ऐसा बोला है उनको भी ऐसा लगा कि हमें ऐसा बोला है कि हमें थाउजेंड डॉलर सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा और जो इनके रिलेटिव हैं उन्होंने बोला हाँ हाँ ऐसा ही होता है आपको यहाँ पे थाउजेंड डॉलर सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है अब गलती यहीं पे हो गई क्योंकि दोनों लड़कों को बैंक के एम्प्लॉय ने जो बताया उसको समझने में गलती लग गई और रिलेटिव ने इस बात का फायदा उठा लिया फ़ायदा कैसे उठाया वो मैं आपको बताती हूँ सो रिलेटिव ने क्या किया इनको बोला कि चलो मैं आपकी जो नेट बैंकिंग है उसमें हेल्प कर देता हूँ मैं आपकी नेट बैंकिंग सेट कर देता हूँ तो so, इन्होंने बोला ठीक है इन्होंने उन उनपे ट्रस्ट किया बिकॉज अभी तक इन्होंने सिम कार्ड लिया नहीं था और इनके पास फ़ोन नंबर भी नहीं था और इन्होंने बताया जो ये स्टूडेंट हैं कि इनके जो रिलेटिव थे वो बहुत क्लोज थे इनके मतलब इनके जीजा जी के तो बहुत ही क्लोज थे उनके कज़न थे तो इस वजह से उन्होंने बोला ठीक है घर का ही मामला है घर के बंदे हैं कोई बात नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं आज मेरे पास सिम कार्ड नहीं है अपना नंबर डाल देंगे एक दो दिन में मैं ले लूंगा फिर मैं अपना नंबर डाल दूंगा उन्होंने इनकी नेट बैंकिंग सेट करा दी और इनके अब इनके जो रिलेटिव का था फोन नंबर वो उनके अकाउंट में अपडेट हो गया अब इनको पता था कि उनके अकाउंट का एक्सेस पूरा इनके रेलेटिव के पास है बट उन्होंने केयर नहीं की क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज थे जैसे मैंने आपको बताया और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो रिलेटिव थे ये करते क्या थे ये बहुत ही वेल स्टेब्लिश ट्रक ड्राइवर है ट्रक चलाते हैं इनके पास मर्सिडीज़ है बहुत अच्छा खासा पैसा है तो उन्होंने वैसे भी सोचा कि इनको क्या फर्क पड़ता है राइट क्योंकि आप जानते हैं बहुत तो उन्होंने ट्रस्ट किया ब्लाइंडली अब इनको ये लगता था कि मेरा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है थाउजेंड डॉलर और छह महीने बाद वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा छह महीने बाद ये जो स्टूडेंट हैं ये फोन करते हैं बैंक को

पे उस ईमेल का स्नैपशॉट भी इन्होंने मुझे शेयर किया था सो so, इन्होंने बताया कि इस ईमेल पे 22 दिसंबर को आपने पैसे भेजे हैं थाउजेंड। हम आपको कोई पैसा वापस नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद ही थाउजेंड डॉलर्स ट्रांसफर किए हैं अपने बैंक अकाउंट से बैंक का इसमें कोई लेना देना नहीं है और उस ईमेल पे लिखा हुआ था canadavisascotia@gmail.com अब आप पूछेंगे कि यार ये स्टूडेंट को ख़ुद नहीं पता था क्या इन्होंने अपना बैंक नहीं चेक किया था डिटेल्स कि ये इस ईमेल पे ट्रांसफ़र हुआ हुआ है कैनेडा वीजा स्कोशिया एट जी मेल डॉट कॉम बैंक की ईमेल लगती है राइट सो स्टूडेंट को लगा कि बैंक को जो सिक्योरिटी है, कोई नया आया है में, उसको क्या पता होगा? कि कैनेडा वीजा बैंक की ई मेल है Canada, visa, scotia, और अप यहाँ पे थाउजेंड डॉलर डिपॉजिट पड़े हैं इन्होंने उनको बोला कि ये देखो आपकी ई मेल है मैंने ये जो पैसे है आपने खुद काटे हुए हैं वो उन्होंने बताया बैंक वालों ने फिर उसको स्टूडेंट को कि हम कभी भी आपके अकाउंट से ईट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ईमेल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और दूसरी बात ये कैनेडा वीज़ा स्कॉशिया एट जी मेल डॉट है जी मेल डॉट हमारा डोमेन नेम नहीं है इनका डोमेन नेम तो स्कोशिया बैंक डॉट है राइट सो so, इन्होंने बोला कि हमारी ईमेल है ही नहीं हम तो पैसे नहीं दे सकते आपकी जो जी है किसी भी आईडी को भेजा आपने भेजा फिर इस स्टूडेंट ने बहुत इंसिस्ट किया उनको देखो कोई नया नया आया है एक हज़ार डॉलर बहुत होते हैं एक स्टूडेंट के लिए मतलब बीस घंटे ही हम काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा कितना परेशान हुआ होगा उस टाइम पे इन्होंने बैंक को बहुत रिक्वेस्ट की और पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ईमेल पे पैसे भेजने के बाद इस ईमेल से पैसे कहाँ गए हैं बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनको बताया गया बैंक के द्वारा कि ये जो ई है इस ई से पैसे कहाँ गए हैं अब मैं वो पूरी डिटेल आपको ई मेल नहीं एग्जैक्ट बता सकती क्योंकि वो मुझे हाइड करने के लिए बोला गया कि ये वाली ई मत बताना क्योंकि उनके रिलेटिव की ई है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो इनके रिलेटिव का नाम था इनके रिलेटिव का नाम एट जब इनको ये चीज़ पता लगी इन्होंने बताया कि मेरे बस पैरों से जमीन खिसक गई मुझे लगा मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अब तक तो इनको पता ही नहीं था ना कि इनके रिलेटिव ने इनके साथ ऐसा किया है तो ये यकीन ही नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मैंने तीन चार बार उनसे पूछा कि क्या यही ईमेल है क्या यही ईमेल है उन्होंने बोला जी यही ईमेल है इस ईमेल पे पैसे गए हैं इसके इस ईमेल के बाद में कैनेडा वीजा कोशिया एट जी के बाद में तो जब इनको ये पता लगा तो इन्होंने अपनी फैमिली से पहले बात की अब डायरेक्टली रिलेटिव को भी नहीं बोल सकते राइट क्योंकि पहले तो कैनेडा वाली ई मेल पे गए हैं इन्होंने अपनी फैमिली से बात की इनकी फैमिली ने इनके रिलेटिव से बात की इन्होंने बात की रिलेटिव नहीं माने कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं है आप ही नहीं भेजे होंगे जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो भी हमने नहीं किया फिर इनको एक और प्रूफ मिला इस स्टूडेंट को आ, इन्होंने बोला दीदी मैं वो शेयर नहीं कर सकता उसका भी रीज़न क्या है ना शेयर करने का मैं आपको बता दूंगी एंड में आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे जो भी इन्होंने शेयर किए हैं जो भी चैट हमारी हुई है जो इन्होंने मैसेज मुझे भेजे हैं कि इनको प्रूफ मिला कि इनके रेलेटिव ने रिलेटिव ने अपनी ई से कैनेडा वीजा स्कोशिया एट जी मेल डॉट कॉम पर मेल करिए बात की है मतलब कुछ तो कनेक्शन है इस ई का जिससे पैसे भेजे गए हैं इनके अकाउंट से और इनके रिलेटिव के बीच में अब टाइम की बात करते हैं कि पैसे कब किए गए इन्होंने बोला कि दीदी बाईस तारीख को बाईस दिसंबर को एक या दो बजे मेरे आ, आ, पैसे कटे हैं मतलब ट्रांजेक्शन हुई है और इनके रिलेटिव ने बात रिलेटिव ने बात की है एक दो घंटा पहले पैसे कटने की मतलब कि कनेक्शन तो है जो इनको इनके रिलेटिव का और कैनेडा वीजा जी मेल के बीच में मिला है एनीवेज उसके बाद ये चीज होने के बाद इन्होंने बहुत प्रेशराइज किया इनकी फैमिली ने इनके रिलेटिव को और इन्होंने बोला कि मुझे प्रूफ मिल गया है आपका और कैनेडा वीजा स्कोशिया एट जी मेल डॉट कॉम के बीच में आई एम गोना शो दिस प्रूफ टू यू और उसके बाद फिर इन्होंने जब ज्यादा इंसिस्ट किया बहुत इंसिस्ट किया कि मेरे पास ये ये प्रूफ है आपके खिलाफ तब इनके रिलेटिव मान गए लेकिन ये नहीं माने कि चोरी हमने की है ये मान गए कि हाँ हाँ हजार डॉलर मेरे अकाउंट में आ गया होगा वो मैंने जब आपका नेट बैंकिंग ओपन कराया तो मेरे ई मेल वहाँ पे रजिस्टर हो गई होगी उस ई मेल पर इन्होंने भेज दिया होगा जो भी है नए स्टूडेंट को राइट कुछ भी बोल के बट ये नहीं माना कि चोरी की है ये मान ली कि हजार डॉलर आ गया और हजार डॉलर वापस ले दिए इन्होंने बोला कि मुझे अच्छे से याद है दीदी मैंने अपनी ईमेल दी थी मेरी ईमेल रजिस्टर्ड थी मेरे रिलेटिव की ईमेल रजिस्टर्ड नहीं थी सो so, वो कह रहे हैं कि क्लियरली मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया मुझे बहुत मेरे फ्रेंड्स ने और इवन बैंक ने भी बोला कि आप पुलिस में ये रिपोर्ट करो ये जो ई मेल यूज़ हुई है जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुई है लेकिन फैमिली का प्रेशर होने की वजह से और रिश्तेदारी होने की वजह से मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर पाया और नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली जब एक नया स्टूडेंट आया वो तो पहले एडजस्ट ही नहीं हो पाया बेचारा अब वो पुलिस के चक्कर में कहाँ पड़ेगा राइट ऊपर से फैमिली का प्रेशर है रिश्तेदारी की बात है सो ये चीज़ें होती हैं जो आपको फोर्स करते हैं आइडली तो होना चाहिए कि पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए लेकिन वही है ना कि अब अकेला बंदा है फैमिली भी बोलती है कि तू पंगे मत ले कुछ नहीं होता तेरे पैसे वापस आ गए अब ये बोल रहे हैं कि दीदी मैं आपके साथ वो वाला प्रूफ इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि जब मैं इनके पास रुका मेरे बैग में से चौदह डॉलर गायब हुए मेरे बैग में से चौदह डॉलर चोरी हो गए और वो भी मैं यहीं पर रुका था वो भी मुझे पूरा शक है कि यहीं पर गायब हुए और इन्हीं का हाथ है उसमें और अब तक मेरे 1400 डॉलर वापस नहीं आए हैं मैं इसीलिए क्लोज रिश्तेदारी है जीजा जी के भाई कजन ही है और इस वजह से इन्होंने बोला कि तुम्हें पैसे मिलने थे मिल गए लेकिन आगे इस बात को और ना बढ़ाओ अभी भी चौदह डॉलर मिलने बाकी है अब एक चीज मेरी रिकमेंडेशन है आपको पहला कभी भी अपने बैग में इतने पैसे ना रखो जिस दिन अगर पैसे थोड़े बहुत रखे भी हैं, पहली बात तो पैसे अगर इंडिया से लेके भी आ रहे हो अपने बैंक में जमा कराओ आते ही अपने बैंक में अपना ही फोन नंबर रखो और आपके बैंक से कोई भी ईमेल ट्रांसफर होता है वो चेक करो जरूर क्योंकि बैंक आपके अकाउंट से आपसे बिना पूछे कुछ डिडक्ट नहीं करती ईमेल ट्रांसफर यहाँ पे होता है यहाँ पे कोई ओ नहीं आता डायरेक्ट आपके अकाउंट से आप ईमेल पे पैसे भेज सकते हैं ये भी एक फिजिबिलिटी है और ओ नहीं आता है लेकिन आप टर्न ऑन कर सकते हैं नोटिफिकेशन अपने बैंक की एप्लीकेशन में जाके कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे सो so ये चीजें ध्यान में रखना अब बात करते हैं कि कैश की अगर थोड़ा बहुत कैश भी आपके पास है उसमें गिन के रखो उस कैश को मेरे साथ क्या हुआ था मैं कंपनी की तरफ से ट्रिप पे गई थी उसमें मेरे पास शायद 200 सौ यू डॉलर थे उसमें से 60 यूएस डॉलर गायब हो गए थे मतलब बाकी थे मुझे आइडिया ही नहीं था कि एक दो नोट गायब हो जाए बीस में से पता नहीं लगता राइट ये जरूर ध्यान में रखना आप स्टूडेंट के साथ 1400 डॉलर की जो स्कैम हुआ वो अलग है चोरी हुई है वो अलग है हजार डॉलर जो निकला वो अलग है वो भी आते ही इस लड़के की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इसने रिसर्च पूरी करी है राइट right? इसने रिसर्च करी प्रूफ इकट्ठे करे उन्होंने बाकी लास्ट में मुझे लिखा कि दीदी प्लीज शेयर दिस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद अदर्स दैट इट कैन हेल्प हु आर न्यू टू कैनडा एंड प्लानिंग टू कम टू कैनडा सो दैट दे कैन गेट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो ये लिखते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू अवेयर एवरी वन दैट डोंट इवन ट्रस्ट योर रिलेटिव इन कैनडा पीपल आर नॉट एक्चुअली वॉट दे अपियर टू बी अब ये मैसेज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये स्टूडेंट है राइट right? ये कितनी छोटी सी एज में यहाँ पे आए हैं स्पेशली जो प्लस टू के बाद आ जाते हैं वो बच्चे इतने मेच्योर भी नहीं होते और उनके साथ आ, आते ही ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए शुक्र है इनको पता लग गया राइट कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं लगता स्टूडेंट्स को तो ये चीजें बहुत जरूरी है अब देखो कुछ स्टूडेंट्स तो इन चीजों से निकल जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स स्कैम्स में फ्रॉड्स में बहुत बुरे फंस जाते हैं और वो कई बार तो शेयर भी नहीं कर पाते ना तो अपनी फैमिली के साथ शेयर कर पाते है इतना बड़ा स्कैम हो जाता है उनको लगता है लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे तो लोग शेयर नहीं करते दिल की बात तो ये बहुत जरूरी है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज आगे आओ अपनी स्टोरी शेयर करो कि बाकियों को पता लगे जैसे इस स्टूडेंट ने किया राइट हमें सीखने की जरूरत है इन चीजों से क्योंकि हम वेट कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो हमें पहले ही अवेयर रहने की जरूरत है ना दो चाहे वो आपका फ्रेंड है चाहे वो आपका रिलेटिव है सो तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखना कैश ना रखें अपने पास सो तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड और स्कैम होने के चांसेस कम होंगे इसके अलावा और बहुत से स्कैम्स होते हैं कनाडा में So, वो, मैंने की वीडियो बनाई वो जरूर चेक करना आई होप इस ये वीडियो आपके लिए आप हेल्पफुल आप so, और धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है कैनेडा इज अ वेरी नाइस कंट्री आई वुड से ये एक्सपीरियंस हो, होते हैं वो किसी किसी के साथ होते हैं कुछ लोग लकी होते हैं जिनके जिनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं और कुछ लोगों के साथ ऐसे होते हैं जो हमें एक अच्छी लर्निंग देके जाते हैं आगे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं कैसे जिंदगी जीनी है किस पे विश्वास करना है कैसे नहीं सो दैट्स इट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज करके जरूर बताना वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करें और शेयर करें अपनी स्टोरी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम माई आई डी इज सेंडी टॉक्स कैनेडा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय